इंदौर से कोरोना ड्यूटी करके लौटे डॉक्टर रितेश कौशल ने गुना में आज ड्यूटी की जॉन। अस्पताल में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। सोनाली सिटी चैनल ने भी आज उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। आइए दिखाते हैं। दर्शकों नमस्कार, आज हमारे साथ एक कोरोना फाइटर हैं जिन्होंने गुना से इंदौर जाकर कोरोना के टाइम में अपनी सेवा दी है, डॉक्टर रितेश कौशल साहब। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है और अब मैं चाहूँगा कि हमारी टीम के सदस्य भी उनका स्वागत करें। डब्बू भाई यहाँ हैं, उनका स्वागत करें क्योंकि उन्होंने बहुत गुना का नाम रोशन किया है इंदौर जाके। संजय भाई आएँ और स्वागत करें, फूलों से भी उनका स्वागत किया जाए क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ा काम किया है गुना के लिए। डॉक्टर साहब कैसा, जब आपको पहली बार इंदौर जाने का पता लगा कि आपको कोरोना में ड्यूटी करने जाना है तो कैसा लगा? शुरू में तो मेरे को बहुत घबराहट हुई क्योंकि मैं खुद भी डायबिटिक और हाइपरटेंशन हूँ, तो मुझसे ज़्यादा मेरा परिवार चिंतित था। मैं तो एक बार मन मना चुका था बट फिर भी मेरे परिवार की हिम्मत के कारण मैं वहाँ गया। पर वहाँ जाने के बाद मुझे अच्छा लगा कि काम करने को मिला, डिफरेंट तरीके एक्सपीरियंस मिला, डिफरेंट तरीके लोग मिले और कोरोना को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा। इंदौर तो बहुत हॉटस्पॉट है मध्य प्रदेश का, सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव वहीं आ रहे हैं, तो बात शुरुआती दिनों में क्या एक्सपीरियंस था? बहुत भीड़ आ रही थी? भीड़ तो नहीं थी, कोरोना कर्फ्यू के रूप में सब इंदौर तो पूरा बंद था, बट जो कंटेनमेंट एरिया थे वहाँ हम लोगों ने जगह जगह सर्वे किया। जैसे पहले मैं 32 दिन रह गया है, पहले 6 दिन मैंने आईसीयू में ड्यूटी की सिनर्जी में जहाँ पेशेंट नॉन पेशेंट थे। बीच में मैंने फिर 3 दिन स्क्रीनिंग करी जितने भी थाने थे सब। एक डेथ हुई थी ना, जो थाने तक की कोई डेथ हुई थी, तो उसके बाद हमने सारे थाने की 3 दिन पूरी स्क्रीनिंग करी। फिर उसके बाद मेरी ड्यूटी सर्वे में लगी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सर्वे में ऐसा था कि मैं जोन 13 का इंचार्ज डॉक्टर था, मेरे अंडर में भंवर कुआं से लेकर आए नगर तक एरिया पूरा मेरे अंडर में था। मेरे अंडर में 39 टीम थी जिसमें नगर पालिका वर्कर्स थे प्लस टीचर्स थे प्लस सम हॉस्पिटल का स्टाफ था, ANM थी मेरे साथ। ये भीलवाड़ा स्टाइल में इसके लिए ये भीलवाड़ा मॉडल अपनाया था हम लोगों ने, जिसमें हमने पेशेंट को देखा कि हमने पेशेंट को हर प्रत्येक घर में जाके पहले तो ये हिस्ट्री ली, कोई इनका पेशेंट कोविड का हिस्ट्री तो नहीं, कोविड के टच में तो नहीं रहे, कहीं बाहर से जर्नी तो नहीं की। दूसरी हिस्ट्री थी कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो कोमॉर्बिडिटी है जिसके यार मोर्टिलिटी ज़्यादा होती है। तीसरी ये था कि किसी को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है, और चौथा ये था कि किसी को सर्दी खांसी और बुखार तो नहीं। इन चारों सिम्टम्स पे वो लोग काम करते थे हमारे वर्कर्स, जो फिर मेरे को सॉफ्टवेयर में इनपुट करते थे। फिर वो सॉफ्टवेयर से मैं देखता था कौन से पेशेंट, फिर मैं फ़ोन से कॉन्टेक्ट करता था। सीरियस पेशेंट होता तो मैं उसको जाके देखता था, सैम्पलिंग के लिए एडवाइस करता था, हॉस्पिटलाइजेशन करता था। तो एक अलग तरह का डिफरेंस था, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस लाइफ में एक्सपोजर मिला है आपको इस बात से। डॉक्टर साहब ऐसा कोई पल जिसमें आपको खुद डर लगा हो इंदौर में? जब मैं पहली बार एक मनदीप करके पेशेंट था रानी बाग में, उसने यंग पेशेंट था 30 ईयर्स का, उसके सुबह मेरे को एक पेशेंट की खबर आई कि 31 साल का पेशेंट विदाउट एनी सिम्टम्स सर्टिफाई हो गया, कोरोना का पॉजिटिव था। तो जब मैं पहली बार उसके घर पर गया, शायद मेरे फोटो भी शेयर हुए उसके, मैं उसके पास घर गया तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। मैं पीपी किट पहन के दिन भर पीपी किट पहने रहना था, पूरे टाइम गाड़ी थी हम लोग गाड़ी से पूरे मोबिलाइज करते थे। तो पहली बार जब गया तो मेरे को डर लगा, बट पूरे प्रोटेक्शन के साथ काम करो तो काम करना बड़ा आसान है और अच्छा भी लगता है कि व्हेन योर पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड। अभी इंदौर लगभग 3,500 पेशेंट्स हैं और बहुत ज़बरदस्त, मतलब जो इंदौर के अंदर की स्थिति हमको मालूम नहीं है लेकिन इंदौर के बारे में बहुत गलत भ्रांतियाँ, तो आप क्या क्या बताना चाहिए? नहीं, इंदौर तो पहले की कंपैरेटिवली स्थिति जो अहमदाबाद और पूना जो एक लेवल पर चल रहे थे वो इंदौर से काफ़ी आगे निकल गए। इंदौर तो फिर भी कंट्रोल्ड है बट सैम्पलिंग ज़्यादा हो रही है तो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। आज की डेट में इंदौर में 3,500 से 4,000 के करीब सैम्पलिंग हो रही है, तो यानी जो डाटा है 8 से 6% का जो डाटा है वही निकल रहा है, परसेंटेज घट रहा है। शुरू में जो था वायरस की व्यूलेंट बहुत खतरनाक था, मोर्टिलिटी ज़्यादा थी, पेशेंट सीवियरिटी थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका व्यूलेंस कम होते जा रहा है, इसका मोर्टिलिटी भी काफ़ी कम हो गई। आज की डेट में मोर्टिलिटी 3 के नीचे आ गई है इंदौर, 3% से नीचे आ गई। मेरे ख्याल मैंने मेरे को डाटा आज के डाटा देखते हैं तो मेरे को लग रहा है कि अभी जो डाटा है उसके आधार पर देखोगे अब उससे ज़्यादा कोरोना से ठीक ज़्यादा पेशेंट ज़्यादा हो गए हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स खाली हैं, मोर देन 50% क्वारंटाइन सेंटर्स मेरे आते आते बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर्स खाली हो गए थे। सिर्फ अरविंदो और चौधरा प्राइवेट पेशेंट को चौधरा में रखते थे, जो नॉर्मल पेशेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको अरविंदो में रखते थे।
काफ़ी है। ये जो कोरोना का इंदौर का एक्सपीरियंस है उसको गुना के साथ, गुना मेडिकल टीम स्वास्थ्य टीम के साथ कैसे शेयर करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ज़्यादा लोगों को स्टिग्मा हो गया है, लोग डरते हैं कि पेशेंट अगर मैं बाहर से आया तो घर किसी को बताते नहीं, ये स्टिग्मा हो गया कि यार वो लोग क्वारंटाइन कर देंगे, क्वारंटाइन सेंटर भेज देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को एक पहले तो कॉन्फिडेंट मिला के सब देखा जाए कि हाँ कुछ नहीं करना, उनको सबको सब बताना है कि ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ अपने को सिम्टम्स और वो करना है, मैनेज करना है। तो अपने को ये संदेश देना चाहूँगा कि लोग बाहर अगर किसी कोई बाहर से आया खुद अपने आप इन्फॉर्म करे, पढ़े लिखे से होने के कारण सबको इन्फॉर्म करे कि हाँ मैं आ गया हूँ, घर में क्वारंटाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग करें, अपना खाना भी मेन तो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी जितनी बूस्टअप करेंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन। आयुर्वेदिक काढ़ा जो चल रहा है इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए, उसे आप कैसा मानते हैं? अच्छा है, काफ़ी इम्यूनिटी है। हम इंदौर में हम लोग भी साथ में आयुर्वेदिक टीम के साथ ये सबको घर घर बंटवा रहे थे और मैं भी खुद भी ले रहा हूँ सुबह शाम काढ़ा, तो इम्यूनिटी में काफ़ी बूस्टअप आया उससे। डॉक्टर साहब, गुना में आप उस सिस्टम को कैसे देखते हैं? गुना की इंदौर के मुकाबले गुना की पोजीशन कैसी देखते हैं आप कोरोना? अब गुना में ऐसा है कि गुना में पेशेंट तो होते नहीं है, बट जो मूवमेंट हुआ है मास मूवमेंट जो मजदूर लोगों का, उसमें कहीं कहीं इंटीरियर में पेशेंट जो बाहर से आए वही पेशेंट निकल रहे हैं। आप देखोगे गुना में भी जो 5 पेशेंट आए हैं वो सब बाहर से हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ कि लोग वो एक जागरूक करें कि लोग बाग बताएं कि हम बाहर से आए तो कम से कम एक जगह सीमित रख सकते हैं अपने इन्फेक्शन को, और वही चीज़ सब जगह घूमेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। कोई सर्वे की आवश्यकता है? इतना मास सर्वे होना है? अगर मास सर्वे तो अभी इतनी स्थिति को देखते आवश्यक से नहीं, पेशेंट आते तो फिर अपने को करना चाहिए। पेशेंट आते हैं पेशेंट, क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर साहब गुना की जनता को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोग बाग जागरूक हों और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का, सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का वो करना है। दूसरी चीज़ अपनी इम्यूनिटी के लिए अपने खान पीन, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, धूप में रुकना। हम लोग जो सेंटर में थे वही सब सलाह देते थे कि आप धूप में रहिए 1 घंटे, विटामिन डी लीजिए, विटामिन ई लीजिए, विटामिन सी लीजिए, जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं विटामिन सी, और गर्म पानी पीना है। कितना गर्व होता है डॉक्टर साहब कि जब आप इंदौर से लौटे हैं लोग आपका, तो बहुत अपने आपको अच्छा लग रहा है कि मैं लौट के सागर से लौट के आ गया, आप लोग तो आगे लोग भी आप पे गर्व कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस हो रहा है कि अपनापन लगता है बहुत।